वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारे लैरिंग्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज स्ट्राइडर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये दो वजह से। एक तो ये कि ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़। लाइक बहुत सारी कंडीशंस में स्ट्राइडर हो सकता है, बहुत सारी बीमारियों में स्ट्राइडर हो सकता है। ये एक सिम्टम है, आप समझ लें, ठीक है, या फिर एक साइन। बल्कि पेशेंट को तो नहीं, पेशेंट खुद भी बता रहा होता है, लेकिन जहर वो स्ट्राइडर की लैंग्वेज में नहीं बताएगा आपको। जब आप सुनेंगे उसको सांस लेते हुए, तो आपको आवाज़ आएगी जिससे आपको पता चलेगा ये इस पेशेंट को स्ट्राइडर है, तो फिर आपको मतलब यू हैव टू गो फॉर द डिजीज़। तो दिस इज़ नॉट अ डिजीज़, पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि इसमें से क्वेश्चन जो आता होता है वो या तो पूछ लेते हैं इसकी टाइप्स ऑफ स्ट्राइडर बताएं, या बहुत ज़्यादा पूछते हैं लेरिंग जो कंजेनिटल कॉजेज ऑफ स्ट्राइडर हैं। ठीक है, इनलिस्ट द कंजेनिटल कॉजेज ऑफ स्ट्राइडर, वो आपने ये इनलिस्ट करने होते हैं। एंड देन या फिर तीसरी तरह का जो क्वेश्चन इसमें से आता है वो ये कि हाउ विल यू असेस या हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट ऑफ स्ट्राइडर, कि एक स्ट्राइडर का पेशेंट है, हम कैसे पता चलाएं कि इतनी सारी डिजीजेज में से उसको क्या हो सकता है। तो आपने पहले तो याद रखनी है कि स्ट्राइडर है क्या। स्ट्राइडर बेसिकली ये है कि नॉर्मल आपका जो एयरवे है, स्पेशली जो लैरिंग्स का पोर्शन है, वो नॉर्मल होगा, तब तो उसमें से हवा जाए आएगी, हम सांस लेते हैं, आवाज़ नहीं आती। ठीक है, नॉर्मली देर इज़ क्वाइट रेस्पिरेशन। लेकिन अगर उसमें कहीं पर भी नैरोइंग हो जाए रास्ते में, या कोई एडिमा की वजह से या किसी भी वजह से थोड़ी बहुत नैरोइंग हो जाए कि हवा अब जब गुजरे तो उन दीवारों से टकराए, तो फ्रिक्शन हो हवा और दीवारों के दरमियान जिससे आवाज़ पैदा होगी, तो उसको हम कहते हैं उस आवाज़ को कि दिस इज़ स्ट्राइडर। ठीक है, तो वो जो जिन लोगों को एस्थमा होता है ना, उनमें एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से सीटियों की आवाज़ें आती हैं, वो वीजेज होती है, वो डिफरेंट है। ठीक है, स्ट्राइडर आपके लैरिंग्स से ज़्यादा एसोसिएटेड है, और वो जो वीज है वो आपके ब्रोंकाई से ज़्यादा एसोसिएटेड है। वैसे ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि स्ट्राइडर में भी आपका ट्रेकिया इन्वॉल्व होता है, लेकिन विल टॉक अबाउट कि कौन सी कंडीशन में क्या चीज़ इन्वॉल्व है। लेकिन वो जो वीजिंग इन ब्रोंकाई है ना, वो बेसिक सॉरी एस्थमा में जो वीज होती है वो एक्सेसिव म्यूकस कलेक्शन की वजह से होती है। और ये स्ट्राइडर के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, किसी भी वजह से जब एयरवे नैरो होती है आपका स्ट्राइडर आ सकता है, और वो एयरवे आपकी ऊपर यानी कि हमारे एपिग्लॉटिस से लेकर ब्रोंकाई यानी लंग्स के पोर्शन तक पूरी एयरवे की बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि क्या टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, आपको याद है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमारे पास लैरिंग्स के तीन पोर्शंस हैं। हमारे पास एक सुप्राग्लॉटिक लैरिंग्स है, उसके बाद सबग्लॉटिक लैरिंग्स है, फिर सॉरी उसके बाद ग्लॉटिस है हमारे पास, फिर सबग्लॉटिक लैरिंग्स है, और उसके बाद हमारे पास ट्रेकिया शुरू हो जाता है। ठीक है, ट्रेकिया के भी अगर मैं बताऊँ तो दिस इज द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ ट्रेकिया, दिस इज द मिडल पोर्शन, एंड दिस इज द डिस्टल पोर्शन ऑफ ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इस लैरिंग्स से ऊपर हमारे पास क्या है, फेरिंग्स है, वो तो आपको पता है ना, वही फेरिंग्स का जो नॉर्मल पोर्शन है वो है। इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर कब होता है, अगर आपका जो भी पेशेंट है वो जब सांस अंदर की तरफ कर रहे हैं, मतलब जब वो सांस खींच रहे हैं अंदर लेके जा रहे हैं, उस टाइम अगर आपको आवाज़ आती है इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद कोई ऊपर का मसला। ऊपर के मसले में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, याद रखना है कि उसमें हमारे पास या तो फेरिंग्स हो सकते हैं या सुप्राग्लॉटिस ग्लॉटिक पोर्शन ऑफ लैरिंग्स। तो ये पिक्चर अपने मतलब अच्छी सी बना लें अपने पास और जहन में रखें कि फेरिंग्स से लेकर सुप्राग्लॉटिक लैरिंग्स का पोर्शन मसला होगा, यानी ऊपर का मसला होगा, तो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर ऊपर इंस्पिरेटरी। ठीक है, अपर प्रॉब्लम इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, सांस लेगा अंदर तब मसला होगा। फिर आता है एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर, एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर तब आता है जब ज़्यादा नीचे का मसला हो। ज़्यादा नीचे में क्या चीज़ें आएंगी, वी हैव द लीजन इन मिडल या डिस्टल पार्ट ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्रेकिया भी नहीं, मिडल एंड डिस्टल पार्ट ऑफ ट्रेकिया, या फिर ब्रोंकाई, सही हो गया। तो ज़्यादा नीचे का मसला होगा तो एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर, और जब दरमियान का मसला होगा यानी ग्लॉटिस होगा, सब ग्लॉटिस होगा, या प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ ट्रेकिया होगा, तो हमारे पास आएगा बायफेसिक स्ट्राइडर, यानी कि इंस्पिरेशन में भी स्ट्राइडर आएगा और एक्सपिरेशन में भी स्ट्राइडर आएगा। तो ये बात आपने बहुत ज़रूरी याद रखनी है, क्योंकि हमारे पास अभी हम पढ़ेंगे स्ट्राइडर बहुत ज़्यादा डिजीज़ में आता है। इतनी ज़्यादा डिजीज़ में जब स्ट्राइडर आएगा, तो हमने उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब बनाने होते हैं तो हम अपनी एग्जामिनेशन से ही बनाते हैं, और उसमें हम फिर यही देखते हैं सबसे पहली चीज़ कि क्या पेशेंट को सांस अंदर खींचते हुए आवाज़ आती है, बाहर निकालते हुए आती है सांस, या फिर दोनों तरफ आती है। अगर उसे अंदर खींचते हुए आएगी तो हमें फेरिंग्स या सुप्राग्लॉटिक का हम सोचेंगे, अगर उसे एक्सपिरेशन पे आएगी तो हम
डिस्टल एंड डिस्टल थर्ड ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई का सोचेंगे, और अगर दोनों टाइम आएगी तो फिर ग्लॉटिस सब ग्लॉटिस एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया का सोचेंगे हम। तो इस तरह हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन में आता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो कॉजेज ऑफ स्ट्राइडर है ना, ये बहुत सारे हैं, कंजेनिटल भी हैं, उसके बाद कुछ एक्वायर्ड है। एक आपकी बुक में टेबल दिया हुआ ढिंगरा में जिसमें उन्होंने कंजेनिटल और एक्वायर्ड के हिसाब से लिखे हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने अलग से जो लिखे हुए हैं वो उन्होंने लोकेशन के हिसाब से लिखे हुए हैं कि नोज में अगर क्या क्या मसला हो तो स्ट्राइडर आते हैं, फिर उन्हें लिखा हुआ पैलेट में मसला, फिर फेरिंग्स में मसला, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रेकिया में, फिर ब्रोंकाई में, तो उन्हें सारे लिस्ट किए हुए हैं। अब वो सारे आप एक नज़र पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि वो सब डिजीज़ के नाम है और कोई उसमें बात नहीं है कि लैरिंग्स की क्या क्या डिजीज़ है, फेरिंग्स की क्या क्या डिजीज़ है, एंड दैट्स इट। लेकिन जो उनमें से आपने बिल्कुल फिंगर टिप्स पर याद रखनी है ना, वो ये कंजेनिटल है जो मैंने यहाँ लिखे हैं। कंजेनिटल कॉजेज ये छः हैं जो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, इनमें से मैक्सिमम लैरिंगो मलेशिया, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सुप्राग्लॉटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा उसमें आएगा स्ट्राइडर, लैरिंजियल वेब, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास जो लैरिंग्स का पोर्शन है पूरा कैनलाइज ना हो सके, कोई पोर्शन रह जाए वेब बनावा, उसमें स्ट्राइडर आएगा क्योंकि रास्ता तंग हो जाता है। सब ग्लॉटिक स्टीनोसिस अगर कंजेनिटली नीचे वाला सब ग्लॉटिस थोड़ा सा तंग हो तो आएगा। हेमेंजियोमा, हेमेंजियोमा होगा तो वो उभार आएगा तो रास्ता तंग हो जाएगा। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस इस वजह से कि वोकल कॉर्ड्स मुसलसल एक ही पोजीशन में उसमें रहते हैं, इतनी से खुले हुए होंगे तो वो एयर फ्लो को तंग करेंगे, मतलब उन्हें सांस लेते हुए पूरा खुल जाना चाहिए जो वो नहीं खुल पाएंगे। और टंग या जॉ की एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, इसको अब आपने छः पॉइंट्स है इनको फिंगर टिप्स पे रट लेना है कि ये कंजेनिटल कॉजेज हैं स्ट्राइडर के, क्योंकि ये SEQ में ना बहुत ज़्यादा आते हैं। याद किस तरह रखा हुआ था, मैंने याद रखा हुआ था इस तरह से कि बाय मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ लैरिंजियल और सॉरी स्टूडेंट ऑफ मलेशियन वेब हैज वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, मैंने इस तरह याद रखा हुआ था, ठीक है। अब ये वैसे तो बहुत ही मतलब अजीबो गरीब सा निमोनिकल के मुझे याद था, स्टूडेंट सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस, मलेशियन लैरिंगो मलेशिया वेब लैरिंजियल वेब हैज हेमेंजियोमा वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, यही मेन पांच चीज़ें हैं। और टंग और जो एबनॉर्मेलिटीज़ का कोई नाम तो नहीं है ना, वो तो पता ही होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑफ नेशनल वेब वेब हैज़ वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, आप इससे मेरे से अच्छा निमोनिक बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, छह चीज़ें तो वैसे ही याद रह जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जब अगर आपसे कोई सारी कॉजेज पूछ ले इतफाक से, तो उसमें फिर आपने क्या करना है कि यू हैव किसी भी मतलब पूरे एयरवे में कहीं भी मसला होगा तो स्ट्राइडर आ सकता है नोज से ले, मतलब वैसे तो हमने कहा था ना कि मेनली यही होता है कि जो फेरिंग्स है वहाँ से लेकर ब्रोंकाई तक, लेकिन नोज में पैलेट में ऊपर भी कहीं मसला हो तो स्ट्राइडर कैन कम। तो उसमें आप चले नोज वगैरह को तो फिर थोड़ी देर के लिए भूल जाए, हम अगर शुरू करते हैं लैरिंग्स या फेरिंग्स से, तो आप हर किसी हेडिंग के ना नीचे पांच हेडिंग्स बना लें जिस तरह हम हमेशा बनाते हैं कॉजेज में, कंजेनिटल, इन्फ्लेमेटरी, ट्रोमैटिक, नियोप्लास्टिक, चार बना लें। इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शियस को एक ही में रखते हैं, ठीक है, कंजेनिटल, इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्शियस, ट्रोमैटिक या नियोप्लास्टिक। उसके बाद आपके जहन में जो आता है ना कि फेरिंग्स ही कंजेनिटल क्या हो सकती है, अगर नहीं होती तो कंजेनिटल अपने जहन से निकाल दें, वो ना लिखें। इन्फेक्शियस या इन्फ्लेमेटरी क्या होगी, अब फेरिंग्स या फेरिंजाइटिस में हो सकता है, आइटिस तो कहीं भी लगाएंगे तो इन्फ्लेमेशन तो आ जाएगी ना, इसी तरह फेरिंजियल डिफ्थेरिया में हो सकता है। इसी तरह ट्रॉमेटिक क्या है, कोई फेरिंग्स का ट्रॉमा टॉन्सिलेक्टमी करते हुए कोई मसला हो जाए। नियोप्लास्टिक क्या है, फेरिंजियल ट्यूमर। आसानी से ना अपने लिए बस ऐसे कर ले, लैरिंग्स लिखें उसमें कंजेनिटल इन्फ्लेमेटरी ट्रोमेटिक नियोप्लास्टिक लिखें और जो जो जहन में आती है डाल दें, मतलब मोटी मोटी सी कोई। फिर इसी तरह आप ट्रेकिया लिखें, फिर ब्रोंकाई लिखें, एंड आपका सवाल का कॉज का आंसर आराम से बन जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है पेशेंट को मैनेज कैसे करना है, हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, उससे पूछना है कि कब से है मसला, क्योंकि अगर बहुत अचानक अचानक हुआ है तो मोस्ट कॉमनली फॉरेन बॉडी भी हो सकती है, कोई जाके फंस गई हो या कोई ट्रॉमा हुआ हो, और अगर स्लो टू डेवलप है तो फिर यकीनन कोई ट्यूमर होगा या कोई आहिस्ता आहिस्ता होने वाला इन्फेक्शन होगा। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ ऑनसेट, कितना ड्यूरेशन था, कोई और सिम्टम्स एसोसिएटेड, पेन है नहीं है वगैरह वगैरह, एंड देन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन भी इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट आपसे पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स हमने लिखने हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कितना है, सांस लेने में कितना मसला होता है, आवाज़ तो हमें आ रही है लेकिन सांस लेने में कितना मसला है, कितना आपका सांस उखड़ता है, ये आपने पूछना है, ये आपको पूछने पे ज़्यादा पता चलेगा। अच्छा, कौन सी टाइप का है, ये तो आपको इंस्पिरेशन पे एक्सपिरेशन पे आए या बायोफिजिक आए, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा आप जब सुनेंगे पेशेंट को सांस लेते हुए। साथ स्नोरिंग तो नहीं है, अगर स्नोरिंग है तो यकीनन नोज़ में मसला है। गर्गलिंग की आवाज़ तो नहीं आ रही, अगर साथ उसको स्ट्राइडर के साथ उसको कोई गर्गलिंग की अजीब सी आवाज़ आ रही है पेशेंट से आपको, तो इसका मतलब फेरिंग्स में कोई मसला है। हॉर्स, अगर वो बच्चा है तो क्राई उसकी हॉर्स है या नहीं, और अगर बड़ा है तो आवाज़ हॉर्स है या नहीं, क्योंकि हॉर्सनेस से मुराद होगा कि लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स में कोई मसला है।
अगर एसोसिएटेड फीवर है तो मतलब कोई इन्फेक्शन है पेशेंट को, अगर वो बच्चा है और प्रोन पोजीशन में लिटाने से उसकी जो ये स्ट्राइडर है वो ठीक हो जाते तो मतलब लेरिंगोमलेशिया है मोस्ट प्रोबेबली, या लेरिंजियल वेब है, ठीक है। फिर सीक्वेंशियल ऑस्कल्टेशन अगर हम करते हैं ना, स्टेथोस्कोप रखते हैं हम पेशेंट की नोज़ पे, उसके ट्रेकिया पे, उसके गले पे, और ऑस्कल्टेट करते हैं तो हमें सुनने से अक्सर समझ आ जाती है कि कहाँ पर मसला है। सो वी हैव टू गो थ्रू ऑल दीज एग्जामिनेशन स्टेप्स, पूछना भी है, देखना भी है, सुनना भी है। इन्वेस्टिगेशन जो ज़रूरत होगी फिर उसके हिसाब से अपने DDs के हिसाब से हम कराएंगे, एक्सरे, CT स्कैन, इसोफेजोग्राम, व्हाटएवर, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करेंगे और फिर जो भी हमें डायग्नोसिस होगा उसके हमने ट्रीट कर देना। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्राइडर, किसी को कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।